और ये देखो हमारा छोटा उस्ताद क्या कर रहा है। So, hey, mighty family, this is Anmol Kapoor. Welcome back to my vlog. तो अभी का सीन कुछ ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। भाई गलत मत समझो, ऊपर मीन वो रब के पास नहीं, ऊपर मीन अपनी छत पे विटामिन डी लेने और आपसे थोड़ी अपनी दिल की बातें करने, क्योंकि दिल की बातें शेयर किए बिना मेरे से रहा नहीं जाता। चलो फिर चले ऊपर। एक तो खेलते खेलते मेरे घुटने पे चेयर लग गई थी तो इसलिए अब चला भी नहीं जा रहा। चलो ऊपर तो पहुंच गया हूँ और विटामिन डी मिलना भी स्टार्ट हो गया है। अभी करते हैं अपनी दिल की बातें को शेयर। भाई पता नहीं क्या हुआ, जब से मैंने अपने फोन को रिपेयर करवाया ना, जब से ये टूटा है उसके बाद से इसकी कैमरा क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो गई है। वीडियो भी ना, अगर जब मैं आऊँ ना सनलाइट में तो ऑटो फोकस चल ही नहीं रहा। मैं कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ कैमरे की सेटिंग में जाके, बार बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया मैंने अभी, बट फिर भी ये क्वालिटी में फर्क नहीं आ रहा, बिल्कुल भी फर्क नहीं आ रहा। मुझे लगता है मुझे अब एक नया फोन ले लेना चाहिए। वैसे तो मैंने लेना भैया से बात हो गई है मेरी, 13 लूंगा या 12 लूंगा, बट लूंगा जरूर जल्दी। फिर उसके बाद आएगी अपनी व्लॉगिंग स्किल में थोड़ी ज्यादा इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव होगी। फिर उसके बाद अपना कंटेंट भी बहुत अच्छा अच्छा डालूंगा फिर तो मैं। भाई अभी मैं नीचे ही जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा धूप पड़ी है, टैनिंग हो जाएगी वरना, और मेरे से चला तो जा ही नहीं रहा। तो नीचे आके मैं आराम से बैठ गया हूँ क्योंकि मेरे घुटने पे लगी हुई है तो ज्यादा चला तो जा नहीं रहा है। और मैं आपको कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ। कल मैं करवा चौथ का व्लॉग शूट करने गया था मंदिर, ठीक है। मंदिर गया, अपना व्लॉग बिल्कुल अच्छे से शूट हो रहा था और जो लेडीज है ना वो ऐसे देख रही थी, पता नहीं जैसे कि क्या कर कह रहा हूँ, वीडियो बना रहा था। एक लेडी ऐसे दूसरी लेडी को, अरे अरे ये कर कह रहा है, अरे ये कर कह रहा है, दूसरी साइड फिर, अरे ये कर कह रहा है, फिर दूसरी लेडी बोली व्लॉग कर रहा है, व्लॉग कर रहा है। तो पहले तो मेरे मन के अंदर यही फीलिंग आई कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, विदाउट परमिशन की वीडियो नहीं लेनी चाहिए। फिर मुझे ख्याल आया आपका, आपके लिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ, अपने लिए तो चलो कर रहा हूँ बट कर तो ज्यादा आपके लिए रहा हूँ ना, आपको दिखाने के लिए। खुद पिटने को मैं तैयार था, वरना तो मेहंदी वाले हाथों से पटैक 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 पड़ जाती, बट फिर भी जो किया है आपके लिए किया, बस स्पोर्ट बनाए रखना है ऐसा ही अपना। तो अभी का सीन कुछ ये बन रहा है कि मैंने करानी है अपनी दाढ़ी सेट। रात से मैं सोच ही जा रहा हूँ कि मैं सुबह अपनी दाढ़ी सेट कराने जाऊँगा पहले, बट फिर पहले मैं 8 बजे उठा, वीडियो अपलोड की, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, फिर अब जा रहा हूँ मैं अपनी एक्टिवा उठाता हूँ, फिर चलते हैं बार्बर की शॉप पे अपनी ट्रिमिंग कराते हैं। तो ये पड़ी अपनी एक्टिवा, एक्टिवा निकालते हैं और जाते हैं अपनी बियर्ड को ट्रिम कराने। चलो अभी शॉप तो पहुंच गया हूँ, अभी चलते हैं अंदर। नमस्ते अंकल जी। सो फ्रेंड्स, अभी अंकल जी कह रहे हैं कि उन्हें आधा घंटा लग जाएगा, तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ जैसे टाइम पास करने, ट्रैफिक थोड़ा देख रहे हैं, थोड़े लोगों को देख रहे हैं, बस यही टाइम पास अपना चल रहा है। आधा घंटा अभी इधर ही बैठना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं घर पहुंच गया हूँ। अपने अंकल ने बोला था कि आधा घंटा लगना था, आधे घंटे बाद मेरा नंबर आना था, तो आधा घंटा छोड़ो, एक घंटे बाद मेरा नंबर आया। मैं उधर बैठा रहा, मैं बोर हो गया, मैं सो ही गया था, मैं 5-10 मिनट के लिए तो सो गया था। फिर अंकल ने मुझे उठाया, उठ जा भाई, तेरी अभी बियर्ड सेट करनी है। तो फिर अभी घर पहुँच गया हूँ, तो अभी लेते हैं अपनी डाइट। तो ये पता नहीं कपड़ा गिरा हुआ है, इसको करते हैं अंदर, चलो अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी लग रही है तगड़ी वाली भूख, नहाऊंगा बाद में और खाऊंगा पहले। तो इस कुकर में बने हैं राइस और इसमें पड़े हैं राजमा, तो अभी इसको डालते हैं। और पता क्या हुआ, जैसे ही मैं अपनी बियर्ड सेट करवा के अपने घर के पास पहुंचा, वैसे ही मैं सीधा अंदर आ गया, चाबी मेरी एक्टिवा में लगी हुई थी, तो एक बच्चा आया, बच्चे ने वो चाबी निकाली और दरवाजा खटखटाने लग गया। फिर वो कहने लग गया कि भैया आपकी चाबी पड़ी है बाहर, तो फिर उसने मेरी चाबी दे दी। पर उससे पहले जो मैंने अपने जख्मों पे जो मरहम लगाया था उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि वो गीला हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ ये पट्टी की जो मैंने बांधी थी ना, इसको उतार लेते हैं वरना ये गीली हो जाएगी।
जाएगी, फिर दोबारा बांधनी है ना तो फिर काम आ जाएगी। सो फ्रेंड्स अभी मैंने नहा लिया है और इसके पीछे भी एक झोल है। मैंने पट्टी उतारी, मैंने कहा चलो 5-10 मिनट कवालियां सुन लेते हैं। फिर मैं कवालियां सुनने लग गया, फिर सुनते सुनते पता नहीं कब नींद आ गई। फिर 2-3 घंटे मैं आराम से सोया, आराम से मस्त वाले सपने लिए। और जो सपने आए थे ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे भी थे और बुरे भी थे, तो मैं उन सपनों के बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। मुझे सपने हमेशा याद रहते हैं। कई लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कईयों को सपने भूल जाते हैं बट कईयों को याद रह जाते हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ जिनको अपने सपने याद रहते हैं, तो मैं वो सपने के बारे में आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। तो भैया जी बात कुछ ऐसी है कि अभी बज रहे हैं 6:00 और पता नहीं किसने मेरी एक्टिवा को अंदर रख दिया। इसको निकालते हैं अभी बाहर। सो फ्रेंड्स अभी एक्टिवा बाहर निकाल ली है, अभी हर्ष को लेके चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। सो फ्रेंड्स अभी हमारे हर्ष भाई आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं। हर्ष उड़ जा उड़ जा उड़ जा, 6:00 आ जा, उड़ जा उड़ जा, जल्दी जल्दी उठ भाई। देख रहे हो कैसे मजे से सो रहा है, फोन आ रहा है, चल जल्दी ओए उठ। तो फ्रेंड्स अभी हर्ष टिप टॉप तैयार हो गया और इसने कोट पैंट डाल लिया है, खेलने जाना है। बट फिर भी मजाक कर रहा हूँ, कोट पैंट कौन डालता है खेलते वक्त। सो फ्रेंड्स अभी हम पार्क पहुंच गए और देखो अंधेरा होना भी स्टार्ट हो गया। महेश भैया खेल रहे हो? सो फ्रेंड्स ये बेंच मुझे कभी नहीं भूल सकता क्योंकि इसने ही मेरे घुटने को घायल किया था, कभी भी नहीं भूल सकता इसको मैं। तो फ्रेंड्स अभी दर्शन दिए हैं ताविश जी ने। ताविश जी कैसे हो? 3, 2, 1। और कल इसका बर्थडे भी था, हैप्पी बर्थडे ब्रो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ब्रो। और ये देखो पटाखे, इसकी दिवाली अभी स्टार्ट हो गई है। हैं तो फ्रेंड्स आप भी ऐसा करते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करो। ये जो पतास होती है इसको मसाला कहते हैं, जो बम्बों में यूज़ होता है। और ये देखो हमारा छोटा उस्ताद क्या कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपके हाथ जो हैं वो हार्म हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स अभी मैच बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा था बट वो वहाँ पर ना पेड़ पे फंस गई थी बॉल, तो अभी बॉल आ गई है। अभी हमारा मैच जो बंद हो गया था वो अभी फिर से स्टार्ट होगा, फिर अब मज़ा आएगा। सब ने शूज डाले, भव्या गुस्सा मत हो भाई। एक तो भव्या भाई गुस्सा हो गया, शिंदा भाई ने फाउल गेम खेलते हैं और बार बार अपने पैरों पे मारते रहते हैं, किसी के भी पैर पे मार देते हैं, फाउल कर देते, तो इसलिए भव्या गुस्सा हो गया। आजा भव्या खेले भाई। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको रोज पता है कि हमारा मैच हो गया ख़त्म। अभी हमारे पेट्रोल के लग रहे थे धक्के क्योंकि हमारी एक्टिवा में पेट्रोल नहीं था। ये बैठा हुआ हमारा हर्ष भाई। हर्ष भाई क्या विचार है हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया तो? विचार तो कुछ यूँ है कि कोई विचार नहीं है। विचार तो यूँ है कि कोई विचार नहीं है बट हम सिटी सोसाइटी के बाहर खड़े हैं, अभी पता नहीं कोई हेल्प मिल सकती है, वो भी कोई उम्मीद नहीं है, बट फिर भी हम ही अपनी उम्मीद हैं। तो अभी चलते हैं, धक्का लगाते हैं, चल भाई। सो फ्रेंड्स अभी भी एक होप बाकी है, मैंने चौक नहीं यूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं फ्लाईओवर पे जब चढ़ाऊंगा, ये रहा फ्लाईओवर, दिख नहीं रहा लाइट नहीं ना, वो देखो लाइट दिख रही है, वो है फ्लाईओवर। तो अभी फिलहाल चौक लगाते हैं और करते हैं हर्ष को हर्ष किक मार भाई, आ जा चौक लगा के करते हैं। सो फ्रेंड्स पुल पे पहुंचते पहुंचते हमारी एक्टिवा बंद हो गई है, तो अभी हर्ष और मैं धक्का लगा रहे हैं बारी बारी, क्योंकि बारी बारी धक्का लगाएंगे आधी चढ़ जाएगी पुल, फिर उसके बाद जब हम नीचे जाएंगे तो स्लाइड आ जाएगी, फिर नीचे आराम से जाएंगे, फिर पेट्रोल भरवाएंगे, फिर जाएंगे घर पे अपने। सो फ्रेंड्स अभी हर्ष थक गया धक्का लगा के क्योंकि हमारी एक्टिवा जो है बंद हो गई है और रास्ते में कोई मदद के लिए रुक नहीं रहा है, बट फिर भी हम अपने आप ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स जैसी जैसी गाड़ियाँ जा रही हैं ना वैसे वैसे ये जो पुल है ना वो हिल ही जा रहा है, ऐसे ऐसे करके हिल रहा है, ऐसे ऐसे करके। हर्ष में आ गई है थोड़ी सी एनर्जी, अब दिखाना धक्का लगाएगा ये पीछे से इसको। सो फ्रेंड्स ये अपने कुछ भाई लोग मिले हैं, इन्होंने हमारी हेल्प की है, अभी ये लगाएंगे थोड़ा सा धक्का। हर्ष किधर जा रहा है? हेल्प तो की नहीं उन्होंने, निकल गए वो, बट कोई बात नहीं, हर्ष है अभी, हर्ष धक्का लगाएगा, चल हर्ष। सो फ्रेंड्स अभी हम घर पहुंच गए हैं और हर्ष अपने घर पहुंच गया है। हर्ष को मैंने अपने घर छोड़ दिया था, तो हर्ष जैसे यार होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में क्योंकि भाई बहुत अच्छा यार है मेरा, मेरे सब यारों में से बेस्ट ना हर्ष ही है, बस एक ही बेस्ट यार है मेरा हर्ष।
उसके अलावा और कोई मेरा बेस्ट यार नहीं है। सो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही, और पिछले वाले और ये वाले व्लॉग में इतनी सारी गलतियां हुई ना, मैंने इतनी सारी अपनी गलतियों को ऑब्जर्व किया, बट कोई बात नहीं, अब मैं अपनी व्लॉगिंग स्किल को थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूव करूंगा। सो आई होप फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।